हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑडियो बुक वाला। आज मैं आपके साथ कंटिन्यू करने के लिए आ गया हूँ अपनी यू कैन विन बुक की ऑडियो बुक सीरीज को। और आज मैं आपके साथ शुरू करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है व्हाट इज होल्डिंग अस बैक, फियर एंड सेल्फ डाउट। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने के साथ इस वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि हर रोज आपको हमारी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके और अपने आप को आप ग्रो कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5, व्हाट इज होल्डिंग अस बैक। एबिलिटी विल टेक यू अप देयर, कैरेक्टर विल कीप यू अप देयर। कल की हमारी रियलाइजेशंस की लिमिट आज के हमारे डाउट्स होंगे, ये कहना है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का। क्या होगा अगर आप अपनी कार को ब्रेक लगाकर चलाते हैं? आप कभी भी पूरी स्पीड से नहीं चलेंगे क्योंकि ब्रेक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेंगे। आपकी कार हीट अप हो जाएगी और टूट जाएगी। अगर ये नहीं टूटी तो रेजिस्टेंस इंजन पर प्रेशर डालेगा। अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपको दो चॉइसेस में से एक बनानी होगी। आप या तो एक्सेलरेटर को जोर से दबा सकते हैं और नुकसान का रिस्क उठा सकते हैं, या कार को तेज करने के लिए ब्रेक्स छोड़ सकते हैं। ये एनालॉजी लाइफ के लिए एक अच्छा पैरेलल है क्योंकि बहुत से लोग इमोशनल ब्रेक्स के साथ लाइफ से गुजरते हैं। ब्रेक क्या है? वो फैक्टर्स जो आपको सक्सेस अचीव करने से रोकते हैं, जैसे कि फियर, प्रोकेस्टिनेशन, लैक ऑफ प्राइड एक्सेट्रा। अपने इमोशनल ब्रेक्स को फ्री करने का तरीका पॉजिटिव एटीट्यूड को बिल्ड करना, अपने सेल्फ वर्थ को रियलाइज करना और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करना है। फेलियर, 20 रीजंस व्हाई वी डोंट अचीव एक्सेलेंस। चार्ल्स शुल्ट्ज़ कहते हैं कि लाइफ 10 गियर वाली साइकिल की तरह है। हम में से ज़्यादातर के पास ऐसे गियर होते हैं जिनका हम कभी यूज ही नहीं करते। ऐसे 20 फैक्टर्स हैं जो आपको फेल कर सकते हैं, और इन फैक्टर्स को दूर करने के लिए काम करके आप उन ब्रेक्स को छोड़ सकते हैं जो आपकी सक्सेस को रोक रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर है अनविलिंगनेस टू टेक रिस्क। सक्सेस में कैलकुलेटेड रिस्क लेना इन्वॉल्व है। रिस्क लेने का मतलब फुलिशली जुआ खेलना और इररिस्पॉन्सिबली बिहेव करना नहीं है। लोग कभी कभी इररिस्पॉन्सिबल और रैश बिहेवियर को रिस्क लेना समझने की भूल कर देते हैं। वो नेगेटिव रिजल्ट्स के साथ एंड अप होते हैं और इसके लिए बैड लक को ब्लेम करते हैं। रिस्क लेना रिलेटिव है। रिस्क का कंसेप्ट एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वैरी होता है, और ये ट्रेनिंग का रिजल्ट हो सकता है। एक ट्रेंड माउंटेन क्लाइंबर और नो सीखिए दोनों के लिए पहाड़ पर चढ़ना रिस्क भरा है, लेकिन ट्रेंड पर्सन के लिए ये इररिस्पॉन्सिबल रिस्क टेकिंग नहीं है। रिस्पॉन्सिबल रिस्क टेकिंग नॉलेज, ट्रेनिंग और कॉम्पिटेंस फैक्टर्स पर बेस्ड होती है, जो आपको फियर का सामना करते हुए एक्ट करने का करेज और कॉन्फिडेंस देते हैं। जो पर्सन कभी कुछ रिस्क भरा अटेम्प्ट नहीं करता, वो कोई गलती नहीं करता, कोई मिस्टेक नहीं करता। हालांकि अटेम्प्ट ना करना अक्सर अटेम्प्ट करने और फेल होने से बड़ी गलती होती है। एक बार किसी ने किसान से पूछा कि क्या उसने इस मौसम में के लिए गेहूं बोया है। किसान ने आंसर दिया, नहीं, मुझे डर था कि बारिश नहीं होगी। आदमी ने पूछा, क्या तुमने मक्का लगाया है? किसान ने कहा, नहीं, मुझे डर था कि मक्के को कीड़े खा जाएंगे। फिर उस आदमी ने पूछा, तुमने क्या लगाया है? किसान ने कहा, कुछ नहीं, आई प्लेड इट सेफ। कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? रिस्क उठाना लाइफ का पार्ट है। कई बार कोई रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क बन सकता है। जो लोग कुछ भी रिस्क नहीं लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं, उनके पास कुछ नहीं है और कुछ भी नहीं बनते हैं। इनडिसीजन हैबिट फॉर्मिंग और कंटेजियस है। इनडिसीजन के कारण कई अपॉर्चुनिटीज खो जाती हैं। रिस्क उठाएं लेकिन गैम्बलिंग ना करें। रिस्क लेने वाले आंखें खोल कर आगे बढ़ते हैं, गैम्बलर अंधेरे में ही गोली चलाते हैं। जैनेट रैंडो की ये पोयम हमें रिस्क के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल, To weep is to risk appearing sentimental. To reach out for another risk is to risk involvement. To expose feelings is to risk exposing your true self. To place your ideas, your dreams before a crowd is to risk their loss. To love is to risk not being loved in return. To live is to risk dying. To hope is to risk despair. To try is to risk failure. But risk must be taken, because the greatest hazards in life is to risk nothing. The person who risk nothing, does nothing, has nothing and is nothing. मतलब हंसना मूर्ख दिखने का रिस्क उठाना है, रोने के लिए इमोशनल दिखने का रिस्क उठाना है, दूसरे तक पहुंचने के लिए भागीदार को जोखिम में डालना है, भावनाओं को उजागर करना, अपने ट्रू सेल्फ को एक्सपोज करने का रिस्क उठाना है, अपने थॉट्स, अपने ड्रीम्स को भीड़ के सामने रखना, उनके नुकसान का रिस्क उठाना है।
प्यार करने के लिए बदले में प्यार ना करने का रिस्क उठाना है, जीने के लिए मरने का रिस्क उठाना है, आशा करने के लिए निराशा को जोखिम में डालना है, कोशिश करना असफलता को जोखिम में डालना है, लेकिन रिस्क अवश्य लेना चाहिए क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ा खतरा कुछ भी नहीं रिस्क लेना है। जो पर्सन कुछ भी रिस्क नहीं लेता है वो कुछ नहीं करता है और उसके पास कुछ भी नहीं होता है और वो कुछ भी नहीं बनता है। दूसरा फैक्टर है लैक ऑफ परसिस्टेंस। जब प्रॉब्लम्स इनसरमाउंटेबल लगने लगती हैं तो छोड़ना सबसे आसान तरीका हो सकता है। ये हर शादी, नौकरी और रिश्ते के लिए सच है। विनर्स को मारा जाता है लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता है। हम सभी ने लाइफ में अपने सेटबैक्स झेले हैं, लेकिन फेलिंग होने का मतलब ये नहीं है कि हम फेलियर हैं। परसिस्टेंस और ऑब्स्टिनेसी में क्या अंतर है? अंतर ये है कि परसिस्टेंस एक स्ट्रांग विल को रिप्रेजेंट करती है और ऑब्स्टिनेसी एक स्ट्रांग विल को रिप्रेजेंट नहीं करती है। ज़्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनके पास नॉलेज या टैलेंट की कमी होती है, बल्कि इसलिए वो हार मान लेते हैं, वो परसिस्टेंस नहीं होते। सक्सेस का टोटल सीक्रेट दो ट्रेट्स में लाए करता है, परसिस्टेंस और रेजिस्टेंस। जो करना चाहिए उसमें लगे रहें, परसिस्ट करें, और जो नहीं करना चाहिए उसका रेजिस्ट करें। एक आदमी एक हीरो इसलिए नहीं है कि वो किसी और से बहादुर है या ब्रेवर है, बल्कि इसलिए कि वो 10 मिनट अधिक समय तक ब्रेव है। रैल्फ वाल्डो एमर्सन ने कहा था, अ मैन इज अ हीरो नॉट बिकॉज ही इज ब्रेव देन एनीवन एल्स, बट बिकॉज ही इज ब्रेव फॉर 10 मिनट्स लॉन्गर। थर्ड फैक्टर है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। रातों रात पैसा कमाने की चाहत ने लॉटरी को एक फलता फूलता बिजनेस बना दिया है। हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के युग में जी रहे हैं। आपको जगाने से लेकर आपको सुलाने तक हर चीज के लिए एक गोली है। लोग अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए गोली लेना चाहते हैं। उसी तरह जब लोग तुरंत करोड़पति बनना चाहते हैं तो वो शॉर्टकट अपनाते हैं और अपनी ईमानदारी इंटीग्रिटी में समझौता करते हैं। याद रखो कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए जाते समय कोई रिजल्ट के बारे में कभी नहीं सोचता, केवल मोमेंट्री प्लेजर्स के बारे में ही सोचता है। आज की जनरेशन आइडियल डाइट को इस तरीके से डिफाइन करती है कि अच्छे इंटेंशंस के लिए 5 पाउंड निकालेंगे। ये वो लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते लेकिन सभी रिवॉर्ड्स चाहते हैं। जब आप शॉर्ट टर्म सोचते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं, तो ये लिमिटेड विजन होता है। लिमिटेड विजन से आप कभी कोई वर्थवाइल गोल नहीं देख पाएंगे। आज लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो इंस्टेंट आंसर्स चाहते हैं। वो हर चीज़ का 1 मिनट का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। इंस्टेंट कॉफ़ी की तरह वो इंस्टेंट हैप्पीनेस चाहते हैं, लेकिन कोई क्विक फिक्सेस नहीं है। ये एटीट्यूड डिसअपॉइंटमेंट की ओर ले जाता है। फोर्थ फैक्टर है लैक ऑफ प्रायोरिटीज, अपनी प्रायोरिटीज की कमी होना। सक्सेस के लिए प्रायोरिटीज सेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी हेल्थ को खो देते हैं तो लाखों रुपए बनाने का क्या फ़ायदा है? अगर आप अपनी फैमिली को खो देते हैं तो लाखों रुपए बनाने में क्या अच्छा है? लाखों बनाने और अपना कॉन्शाइंस, अपना विवेक खोने में क्या अच्छा है? क्या ये वर्थ इट है? हमारी प्रायोरिटीज हमारे वैल्यूज पर बेस्ड हैं। लोग सब्स्टिट्यूशंस करते हैं जहां उन्हें नहीं करनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए रिलेशनशिप्स में वो अफेक्शन और प्यार और टाइम के लिए पैसे और गिफ्ट्स का बिजनेस करते हैं। कुछ लोगों को उनके साथ बातचीत करने में समय बिताने की कंपैरिजन में उनकी एब्सेंस की कंपनसेट के लिए अपने बच्चों और लाइफ पार्टनर के लिए चीज़ें खरीदना आसान लगता है। जब हमारी प्रायोरिटी सही नहीं होती हैं तो हम टाइम वेस्ट करते हैं। इस बात को रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि टाइम वेस्टेड इज लाइफ वेस्टेड। प्रायोरिटाइजिंग के लिए डिसिप्लिन की जरूरत होती है, वो करने के लिए जो करना जरूरी है, बल्कि हमारे मूड और कल्पनाओं के बेस पर एक्शन करने के। आज के टाइम में सक्सेस और फेलियर पर ज्यादा फोकस किया जाता है बजाय अपना बेस्ट करने के। आप डिफीट और प्रॉब्लम से कॉप अप कैसे करते हैं? इस क्वेश्चन पर आपका रिस्पॉन्स आपके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ कहता है। सक्सेस के इस सीक्रेट को सुलझाने की कीज में से एक अपनी प्रायोरिटीज को समझना। कुछ लोग अपनी साइट्स मनी, पावर, फेम या पोजीशंस पर लगाते हैं। हमें अपनी प्रायोरिटीज को समझना होगा। सक्सेस उन प्रिंसिपल्स को पढ़ने या याद रखने में नहीं मिलती है जो सक्सेस की ओर ले जाते हैं, बल्कि उन्हें समझने और इम्प्लीमेंट करने से मिलती है। प्रायोरिटाइज करना सक्सेस के प्रिंसिपल्स में से ही एक है। फिफ्थ फैक्टर है लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। वीकेंड का कोर्स करके अगर आप न्यूरोसर्जन बन जाते हैं तो अंदाज लगाइए कि इसका रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट एक डिजास्टर होगा। आसान तरीका वास्तव में कठिन तरीका हो सकता है। द इजियर वे मे एक्चुअली बी द टफर वे।
एक बार जंगल में एक लाल चिड़िया गा रही थी। एक किसान कीड़ों से भरा डिब्बा लेकर आया। लार्क ने उसे पूछा और रोका और पूछा, तुम्हारे पास बॉक्स में क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो? तो किसान ने आंसर दिया कि उसके पास कीड़े हैं और वो कुछ पंखों के लिए, उनका बिजनेस करने के लिए बाजार जा रहा है। लार्क ने कहा, मेरे पास कई सारे पंख हैं, मैं एक को तोड़ दूंगा और तुम्हें दे दूंगा और इसके बदले तुम मुझे कीड़े दे देना। किसान ने कीड़े को लार्क को दिया और लार्क ने एक पंख तोड़कर बदले में दिया। अगले दिन वही हुआ और परसों और अगले दिन और उससे अगले दिन आगे तक। एक दिन आया कि लार्क के पंख नहीं थे। अब यह कीड़े का शिकार करने के लिए उड़ भी नहीं सकता था, यह बदसूरत भी लगने लगा था और गाना बंद कर दिया था और बहुत जल्द ही वो मर गया। ये कहानी हारे हुए लोगों के बिहेवियर का एग्जाम्पल देती है, जो अपने शॉर्ट टर्म गेन के लिए इवेंचुअली लॉन्ग टर्म पेन भुगतते हैं। इस कहानी का मॉरल बिल्कुल क्लियर है कि लार्क ने क्या सोचा था, कि खाना पाने का एक आसान तरीका है ये, जो मुश्किल तरीका बन गया उसके लिए। लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। क्या वही बात हमारे लाइफ में भी सच नहीं है? कई बार हम आसान रास्ते की तलाश करते हैं जो एक्चुअल में मुश्किल रास्ता होता है। की प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना है, ना कि केवल शॉर्टकट के साथ जाना। लाइफ में हमारे एटीट्यूड के बारे में भी यही सच है। कुछ लोग अपनी बिटरनेस और रिजेंटमेंट की एटीट्यूड्स फैलाते हैं और ये एटीट्यूड उनके लाइफ के डिफरेंट पार्ट्स में उभरता है। सिक्स्थ फैक्टर है सेल्फिशनेस एंड ग्रीड। सेल्फिश एटीट्यूड रखने वाले लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस को ग्रोथ की उम्मीद करने का कोई राइट ही नहीं है। उनका एटीट्यूड दूसरों के वेलफेयर की परवाह किए बिना खुद को पहले पोजीशन पर रखना है। ग्रीड हमेशा ज़्यादा चाहता है। ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं, लेकिन ग्रीड लालच नहीं। ग्रीड खारे पानी के समान है। जितना ज़्यादा तुम पीते हो, प्यास उतनी ही ज़्यादा होती है। ये सोल का कैंसर है जो रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। लालच कम सेल्फ एस्टीम से आता है, जो खुद को झूठे प्राइड ढोंग के रूप में मैनिफेस्ट करता है। लालच से बाहर निकलने का तरीका यह है कि आप अपने साधनों के भीतर रहना सीखें और सेटिस्फाइड रहें। हालांकि कंटेंट का रहने का मतलब ये नहीं है कि एम्बिशन की कमी हो। वेयर डज इट एंड? एक धनी किसान, एक वेल्दी किसान को एक बार वो सारी जमीन देने का ऑफर दिया गया जिस पर वो एक दिन में चल सकता है, बशर्ते कि वह सनसेट के बाद उस पॉइंट पर लौट आए जहां से उसने शुरू किया था। अगली सुबह जल्दी शुरू करने के लिए उस किसान ने जल्दी से ज़मीन को कवर करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन लेना चाहता था। भले ही वो थका हुआ था, फिर भी वो दोपहर भर चलता रहा, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ लेना के लिए लाइफ वंस इन अ टाइम लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहता था। दोपहर में देर से उसे याद आया कि ज़मीन पाने के लिए उसे जो शर्त पूरी करनी थी वो थी कि सनसेट तक शुरुआत पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस जाना है। उसके लालच ने उसे शुरुआती पॉइंट से दूर कर दिया था। उन्होंने अपनी वापसी जर्नी को शुरू करा ये देखते हुए कि वो सनसेट के कितने करीब थे। वो सनसेट के जितना करीब आया, वो उतनी ही तेज़ी से भागा। वो थका हुआ था और उसकी सांस फूल रही थी, और उसने खुद को धीरज की सीमा पर के परे धकेल दिया। स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचते ही वो गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। उन्होंने इसे सनसेट से पहले बनाया था, उसे दफना दिया गया था, और उसे जितनी ज़मीन की ज़रूरत थी वो थी एक छोटा सा प्लॉट। इस कहानी से बहुत सारी सच्चाई है और एक सबक सीखने की ज़रूरत है। किसान धनवान होता या नहीं, वेल्दी होता या नहीं, लेकिन कोई भी ग्रीडी पर्सन उसी तरह से ख़त्म होता। सेवेंथ फैक्टर है लैक ऑफ कन्विक्शन। जिन लोगों में कन्विक्शन की कमी होती है, वो बीच रास्ते में आ जाते हैं और गेस करिए कि सड़क के बीचों बीच उन लोगों का क्या होता है, वो भाग जाते हैं। कन्विक्शन के बिना लोग एक स्टैंड नहीं लेते हैं, वो साथ जाने के लिए साथ जाते हैं, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस और करेज की कमी होती है। वो एक्सेप्ट किए जाने के लिए अनुरूप हैं, भले ही वो जानते हैं कि ग्रुप जो कर रहा है वो गलत है, वो अभी भी साथ जाने के लिए साथ जाते हैं। कुछ लोग अपने आप को एक छाया बेहतर समझते हैं, क्योंकि वो गलत को सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन उनके उसको अपोज करने के लिए कन्विक्शन की कमी उनके पास होती है। वो चुप रहते हैं और सोचते हैं कि उनमें इंटीग्रिटी और ईमानदारी है। साइलेंस और इंटीग्रिटी दो अलग अलग चीज़ें हैं। सिर्फ इसलिए कि एक पर्सन चुप है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास इंटीग्रिटी है। इनफैक्ट हिस्ट्री में ज़्यादा झूठ चुप रहकर बोले गए हैं जब हमें बोलना चाहिए था। किसी ऐसी चीज़ का अपोज ना करने जिससे हम जानते हैं कि गलत है, हम एक्चुअल में उसका सपोर्ट कर रहे होते हैं। सक्सेस के इम्पॉर्टेंट सीक्रेट में से एक है किसी चीज़ के अगेंस्ट होने के बजाय किसी चीज़ के लिए होना। इस तरह प्रॉब्लम का नहीं बल्कि सॉल्यूशन का हिस्सा बनते हैं। स्टैंड लेने के लिए कन्विक्शन की ज़रूरत होती है। कन्विक्शन टेक्स फेथ। एक्शन के बिना फेथ भ्रम है।
फेथ मिराकल्स की वेट नहीं करता बल्कि उन्हें प्रोड्यूस करता है। हम सभी के पास लो मोमेंट्स होते हैं, हम सब नीचे गिर जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं। हम सभी के पास ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब हम खुद पर डाउट करते हैं और सेल्फ पिटी में इंडल्ज हो जाते हैं। बात यह है कि इन फीलिंग्स को दूर किया जाए और अपने विश्वास को रिस्टोर किया जाए। इस दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें करने वाले होते हैं, दूसरा चीज़ें देखने वाले लोग होते हैं, तीसरा जो लोग आश्चर्य करते हैं कि क्या हुआ है। आप किस कैटेगरी में आते हैं जरूर सोचिए। 8th फैक्टर है अनविलिंगनेस टू प्लान। ये अनफॉर्चुनेट है लेकिन सच है कि ज़्यादातर लोग अपने लाइफ की प्लानिंग बनाने से ज़्यादा टाइम पार्टी या छुट्टियों की प्लानिंग बनाने में लगाते हैं। एक्सपीरियंस से पता चलता है कि एक ठीक से प्लान्ड मिनट एग्जीक्यूशन में 4 मिनट बचाता है। अचीवर्स जो सक्सेस इंश्योर करना चाहते हैं वो केयरफुली प्लानिंग बनाएं। वो अनप्लान्ड के लिए भी प्लान बनाते हैं। अगर आपने अनप्लान्ड के लिए प्लानिंग नहीं बनाई है तो इसका मतलब ये है कि आपने ठीक से अपनी प्लानिंग नहीं बनाई है। एक अच्छे जनरल या एग्जीक्यूटिव के पास हमेशा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी होगा। क्यों? क्या वो फेल होने की प्लानिंग बना रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो ऑब्स्टिकल्स की परवाह किए बिना सक्सेसफुल होने की प्लानिंग बना रहे हैं। अगर प्लान ए फेल हो जाता है तो प्लान बी पिकअप करके उसी तरह से वो आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके से आगे भी। 9th फैक्टर है अनविलिंगनेस टू प्रिपेयर, प्रिपरेशन। कॉन्फिडेंस प्रिपरेशन से आता है जो प्लानिंग बनाने और प्रैक्टिस करने के अलावा और कुछ नहीं है। विनर ने खुद पर प्रेशर बनाया है, वो प्रिपरेशन का प्रेशर है और जीत की चिंता ना करने का। अगर हम खराब प्रैक्टिस करते हैं तो हम खराब खेलते हैं क्योंकि हम प्रैक्टिस के रूप में खेलते हैं। सक्सेस और फेलियर के बीच का डिफरेंस बिल्कुल सही और लगभग सही करने के बीच का ही डिफरेंस है। कंप्लीट मेंटल और फिजिकल प्रिपरेशन, सेक्रीफाइस और सेल्फ डिसिप्लिन का रिजल्ट है। एवरेज होना आसान है लेकिन बेस्ट होना टफ है। कोई वंडर नहीं है कि एवरेज पर्सन आसान रास्ता चुनता है, एवरेज लेवल का लाइफ जीता है। प्रिपरेशन किसी भी फील्ड में सक्सेस के लिए नेसेसरी एज है। प्रिपरेशन इज इक्वल्स टू पर्पस प्लस प्रिंसिपल प्लस प्लानिंग प्लस प्रैक्टिस प्लस परसिवरेंस प्लस पेशेंस प्लस प्राइड। प्रिपरेशन लीड्स टू कॉन्फिडेंस, तैयारी आत्मविश्वास की ओर ले जाती है। प्रिपरेशन का मीनिंग है फेलियर को सहना लेकिन उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करना। इसका मतलब है बिना हारे हुए हार का सामना करने का साहस रखना, निराश हुए बिना निराश होना। तैयारी का मतलब है अपनी गलतियों से सीखना। गलतियां करने में कुछ भी गलत नहीं है, हम सब करते हैं, लेकिन जो फूल होता है, जो मूर्ख होता है, वो है जो एक ही गलती को बार बार दोहराता है या दो बार दोहराता है। जो पर्सन गलती करता है और उसे दोहराता है, उसे सुधारता नहीं है, वो करता है बड़ी वाली गलतियाँ। किसी गलती को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे जल्दी से एक्सेप्ट करें, इससे कुछ ना कुछ सीखें और उस पर ध्यान ना दें, इसे कभी ना दोहराएं और एक्सक्यूजेज ना बनाएं। प्रेशर प्रिपेयर ना होने से आता है। प्रिपरेशन, प्रैक्टिस और हार्डवर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। डिज़ायर और विशुअल थिंकिंग से काम नहीं चलेगा, केवल प्रिपरेशन ही आपको कॉम्पिटिटिव एज दिलाएगी। अगर आप प्रिपेयर नहीं हैं तो प्रेशर आपको पैरालाइज बना सकता है, या अगर आप अच्छी तरह से प्रिपेयर हैं तो आपको नई हाइट्स पर ले जा सकता है। जैसे पानी अपने रास्ते की ओर बढ़ता है, वैसे ही सक्सेस उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होती है जो प्रिपेयर होते हैं। कमज़ोर एफर्ट्स के कमज़ोर रिजल्ट्स मिलते हैं। Persistence is a name we give to purpose, plan, preparation, pride, patience, practice, principles, price और positive attitude। क्या आपके पास clearly defined purpose है? क्या आपके पास कोई plan of action है? Preparation में क्या आप क्या efforts कर रहे हैं? क्या आपको अपने performance पर pride है? क्या आपके पास gestation period को झेलने का patience है? क्या आप excellence की ओर practice करने के willing है? क्या आपके पास खड़े रहने के लिए कोई फर्म प्रिंसिपल्स हैं? क्या कीमत चुकाने को आप तैयार हैं? कितना दूर जाने के लिए विलिंग हैं? क्या आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है? ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने आप से पूछने चाहिए। 10th फैक्टर है रेशनलाइजिंग। विनर्स एनालाइज, थ्योराइज, सिंपथाइज कर सकते हैं लेकिन वो कभी रेशनलाइज नहीं कर सकते। रेशनलाइजेशन लूजर्स का गेम है। हारने वालों के पास हमेशा बहानों से भरी एक किताब होती है जो आपको बताती है कि वो ऐसा क्यों नहीं कर सके।
हम बहाने सुनते हैं, जैसे कि मैं बदकिस्मत हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं एज में कम हूँ, मैं हैंडीकैप्ड हूँ, मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, मेरे पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हूँ, मैं काफ़ी स्मार्ट नहीं हूँ, मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, इकनॉमी ख़राब है, मेरे पास फैमिली नहीं है, मैं गलत स्टार्स के बीच में पैदा हुआ, मेरी राशि ख़राब है, वगैरह वगैरह, काश मेरे पास अपॉर्चुनिटी होती, एक्सेट्रा। लिस्ट लंबी और भी लंबी हो सकती है। दो चीज़ें हैं जो डिटरमाइन करती हैं कि कोई पर्सन सक्सेसफुल है या नहीं, रीजंस और रिजल्ट्स। रीजंस डोंट काउंट बट रिजल्ट्स डू। हाउ डू दे कैच मंकीज इन इंडिया? इंडिया में बंदर को कैसे पकड़ा जाता है? जो मंकी हंटर्स होते हैं वो एक बॉक्स का यूज़ करते हैं जो ऊपर से खुला होता है और इतना बड़ा होता है कि मंकी उसमें अपना हाथ डाल सकता है और उस बॉक्स के अंदर नट्स होते हैं। जैसे ही वो अंदर अपना हाथ डालता है और अपनी मुट्ठी बंद करता है उन नट्स को निकालने के लिए, तो उस जब वो बाहर निकालने की कोशिश करता है तो जो ओपनिंग होती है वो इतनी बड़ी ही होती है सिर्फ कि उसका हाथ मुट्ठी बाहर नहीं आ सकती, उसका सिर्फ हाथ बाहर आ सकता है। और अब उसके पास दो चॉइस होती हैं, या तो वो नट्स को छोड़ दे और हमेशा के लिए फ्री हो जाए, या फिर उन नट्स को पकड़े रखिए और वो भी कैद हो जाए। तो गेस करो कि वो बंदर हमेशा क्या पिक करता है उन दोनों चीज़ों में से? वो हमेशा नट्स को पकड़ा रहता है और खुद भी पकड़ा जाता है। हम भी बंदरों से अलग नहीं हैं। वी ऑल हैंग ऑन द नट्स दैट कीप अस फ्रॉम गोइंग फॉरवर्ड इन लाइफ। हम भी कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में से पकड़ के बैठे रहते हैं जो हमारी लाइफ में कुछ ऐसे रीजंस या कुछ ऐसी चीज़ों को, कुछ ऐसी बातों को हम अपनी लाइफ में पकड़ के बैठ जाते हैं जो हमको आगे बढ़ने से रोकती हैं। हम चीज़ों को रेशनलाइज करते रहते हैं, ये कहते रहते हैं कि मैं इसको नहीं कर सकता क्योंकि, परंतु, लेकिन, ये जो वर्ड्स हैं इनका हम यूज़ करते हैं। और जो भी चीज़ बिकॉज के बाद आती है वो वही नट है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है और हमको वहाँ पकड़ के जकड़ के बैठा है। सक्सेसफुल पीपल डोंट रेशनलाइज। गुड एडवाइस फॉर शॉर्ट शॉर्ट फेलियर इज डोंट थिंक, डोंट आस्क एंड डोंट लिसन, जस्ट रेशनलाइज। अगर आपको लाइफ में पक्का फेल होना है तो इसका सिर्फ एक रास्ता है, सोचो मत, ना पूछो, ना किसी की सुनो, बस चीज़ों को रेशनलाइज करना शुरू कर दो। 11th फैक्टर है नॉट लर्निंग फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स, अपनी पुरानी गलतियों से ना सीखना। यह हमारा 11वां ब्रेक होता है जो हमें रोकता है, जो 11वां फैक्टर जो हमारी लाइफ में एक ब्रेक की तरह काम करता है। लोग जो ये लेसन्स नहीं सीखते फ्रॉम हिस्ट्री से वो बर्बाद रहते हैं। हम अपने फेलियर से सीखते हैं अगर हमारा एटीट्यूड सही होता है। फेलियर एक अंत नहीं है, फेलियर एक सीढ़ी है जो हमें आगे लेके जाती है। इट इज़ अ डिले नॉट अ डिफीट। फेलियर सिर्फ एक डिले है, एक डिफीट नहीं है। एक्सपीरियंस इज़ द नेम वी गिव टू आवर मिस्टेक्स। जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं वो हमारे लिए एक्सपीरियंस होती हैं। कुछ लोग जीते हैं और सीखते हैं, और वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ जीते हैं। जो वाइस पीपल होते हैं, जो वाइस लोग होते हैं, वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, और जो वाइसर लोग होते हैं वो और लोगों की गलतियों से भी सीखते हैं, क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो इतनी बड़ी नहीं है कि हम अपनी लाइफ में सारी गलतियां खुद कर सकें और अपनी गलतियों से सीख सकें। तो इसलिए हमें खुद की गलतियों से भी सीखना चाहिए और आसपास के लोगों की गलतियों से भी सीखना चाहिए, ताकि हमारा टाइम बचे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि हम सारी गलतियां खुद से कर सकें। 12th फैक्टर है इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज ना कर पाने की एबिलिटी, या इनएबिलिटी कह सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज हमारे साथ आती हैं ऑब्स्टेकल्स के साथ, मतलब जहाँ एक प्रॉब्लम आती है वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। दैट इज़ वाई मोस्ट पीपल डोंट रिकॉग्नाइज देम, और इसी कारण से बहुत सारे लोग उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, उनका ध्यान ऑब्स्टेकल्स पे रह जाता है और अपॉर्चुनिटी पे नहीं। ये बात याद रखो कि जितना बड़ा ऑब्स्टेकल होगा, जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी भी होगी। 13th फैक्टर है फियर। फियर रियल हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है। फियर लोगों को स्ट्रेंज थिंग्स करने पे मजबूर कर देता है। ये आता है आपका लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से। जब आपको लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, जब क्लियरली अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तो फियर आता है। टू लिव इन फियर इज टू लिव इन इमोशनल प्रिजन। फियर एक इमोशनल प्रिजन की तरह है, और फियर आपको पैरालाइज कर देता है और इमोबिलाइज कर देता है। फियर से इनसिक्योरिटी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और प्रोकेस्टिनेशन जैसी चीज़ें पैदा होती हैं। फियर आपके पोटेंशियल्स को और आपकी एबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। हम सीधा नहीं सोच पाते। फियर हमारी रिलेशनशिप्स को, हमारी हेल्थ को भी, जो हमारे अंदर एक डर होता है ना, जो चाहे वो खुद को लेके हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेके हो, हमारे रिलेशनशिप को, हेल्थ को भी ख़राब कर देता है। कुछ कॉमन तरीके के फियर्स होते हैं। सबसे पहला फियर ऑफ फेलिंग, हार जाने का डर। दूसरा फियर ऑफ द अननोन, क्या होगा, क्या होगा इस चीज़ का डर। तीसरा फियर ऑफ बीइंग अनप्रिपेयर्ड, आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं है इस चीज़ का डर।
चौथा है फियर ऑफ मेकिंग द रॉन्ग डिसीजन, आपका डिसीजन गलत है या हो सकता है इसका डर। पांचवा फियर ऑफ रिजेक्शन, कोई आपको रिजेक्ट कर देगा इस चीज का डर। कुछ फेलियर्स ऐसे होते हैं जिनको डिस्क्राइब किया जा सकता है, जबकि कुछ फेलियर्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ फील किया जा सकता है। जो फियर होते हैं ना वो एंजाइटी की तरफ लीड करते हैं, जो कि आपको फाइनली इरेशनल थिंकिंग की तरफ लेके जाता है, और ये आपकी जो एबिलिटी होती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की उसको सैबोटेज कर देता है, खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। जो फेलियर से जो नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है वो होता है एस्केप का, भागने का, और जो ये भागने वाला एटीट्यूड है ये आपको कंफर्ट जोन की तरफ लेके जाता है। आपको ऐसे लगता है कि आपका फियर खत्म हो गया है, लेकिन वो टेम्प्ररी होता है, आपकी जो फियर की कॉज होती है वो वहीं पर ही पड़ी रहती है। और जो इमेजिनरी फियर होते हैं वो प्रॉब्लम को मैग्नीफाई कर देते हैं। फियर आपके हाथ से निकल सकता है, आपकी हैप्पीनेस को और आपके रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आपको फियर को सोचना चाहिए फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल, इस तरीके से। फियर ऑफ फेलियर इज ऑफन वर्स देन फेलियर इटसेल्फ, जो फेल होने की जो फेलियर है ना उससे भी जो बड़ी और बुरी चीज है वो है आपके फेल होने का डर। फेलियर दुनिया में बुरी चीज नहीं है जो किसी को हो सकती है। जो लोग कभी ट्राई ही नहीं करते वो बिना अटेम्प्ट करे ही फेल हो जाते हैं। जब एक नवजात बच्चा, एक नया पैदा हुआ बच्चा चलना सीखता है, वो बहुत बार गिरता है, लेकिन उसके लिए वो फेलिंग नहीं होता, वो सीखना होता है। इट इज लर्निंग नॉट फेलिंग। इफ दे बिकम डिसहर्टन दे वुड नेवर वॉक, अगर वो इस बात से परेशान हो जाए कि यार मैं जब भी चलने की कोशिश करता हूँ तो मैं गिर जाता हूँ, इसका मतलब मैं फेलियर हूँ, तो क्या वो कभी चलना सीख पाएगा? नहीं। और यही लाइफ हम यही चीज़ हमारी लाइफ में भी एप्लीकेबल है। हम बहुत बार कुछ ना कुछ सीखते हैं और उसको नहीं कर पाते तो हमें लगता है कि हम फेल हो रहे हैं, बल्कि लेकिन ऐसा नहीं है, हम उस चीज़ को सीख रहे होते हैं। और फियर ऑफ फेलियर को अपने दिमाग से निकालना होगा अगर हमें आगे बढ़ना है तो। 14th फैक्टर है इनएबिलिटी टू यूज टैलेंट, हम अपने टैलेंट को अगर यूज़ नहीं करेंगे अच्छे से तो ये हमारा 14th फैक्टर बन जाता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं और उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि मैं अपने ब्रेन का 25% अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का यूज़ करता हूँ अपनी पूरी लाइफ में। विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो अपने ब्रेन का, अपने पोटेंशियल का सिर्फ 10-12% ही यूज़ करते हैं। और जो सबसे बुरा पार्ट है वो ये है कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में वो मर जाते हैं अपनी बहुत सारी पोटेंशियल को साथ लेके। द सैडेस्ट पार्ट ऑफ मोस्ट पीपल्स लाइफ इज दैट दे डाई विद द म्यूजिक स्टिल इन देम, वो अपनी लाइफ को अच्छी तरह अभी तक जी ही नहीं हुए होते हैं और वो उससे पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। दे रस्ट आउट रेदर देन वियर आउट, उनको जंग लग जाता है बेसिकली। आई वुड रेदर वियर आउट देन रस्ट आउट, मैं ख़त्म होना पसंद करूँगा बिना जंग लगने के। द सैडेस्ट वर्ड्स इन लाइफ आर आई शुड हैव, जो कुछ लोग बोलते हैं ना आई शुड हैव डन दिस, आई शुड हैव डन दिस, तो ये जो लाइन है आई शुड हैव, ये बहुत ही बुरे शब्द हो सकते हैं किसी की लाइफ के। रस्टिंग आउट का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर पेशेंस ना हो। पेशेंस एक कॉन्शियस डिसीजन है, इट इज एक्टिव एंड इन्वॉल्व्स परसिवरेंस परसिस्टेंस। रस्टिंग आउट का मतलब है कि आप आइडल हैं और पैसिव हैं। समवन आस्क्ड एन एल्डरली मैन व्हाट इज लाइफ्स हैवीएस्ट बर्डन, एक बार एक आदमी से पूछा गया कि लाइफ का सबसे हैवीएस्ट बर्डन क्या है, तो उस इंसान ने रिप्लाई किया टू हैव नथिंग टू कैरी। अगला फैक्टर है लैक ऑफ डिसिप्लिन, टिम कॉनर कहते हैं यू हैव अ चॉइस इन लाइफ, यू कैन आइदर पे द प्राइस ऑफ डिसिप्लिन और रिग्रेट, मतलब कि हमारे पास लाइफ में दो चॉइस हैं, या तो हम सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, अपने डिसिप्लिन के लिए प्राइस पे करें, या फिर हम रिग्रेट फील करें। क्या आप कभी आपने वंडर किया है कि कुछ लोग अभी कभी भी अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाते, क्यों कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्यों कुछ लोग सक्सेस को कंटिन्यू करते हैं चाहे उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे फेलियर्स आएं। एनीवन हु हैज़ accomplished एनीथिंग वर्थ वाइल हैज़ नेवर डन सो विदाउट डिसिप्लिन, किसी भी इंसान ने अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव किया है तो उसने बिना डिसिप्लिन के अचीव नहीं किया है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एथलेटिक्स हो, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे वो बिजनेस में हो। हम किसकी बात कर रहे हैं? सेल्फ डिसिप्लिन की, ना कि एक्सटर्नल डिसिप्लिन की, वो डिसिप्लिन जो आपके अंदर से आता है। लोग जो विदाउट डिसिप्लिन होते हैं वो हर चीज़ कोशिश करते हैं, हर चीज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी अपने आप किसी भी चीज़ की तरफ कमिटेड नहीं करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ये मानना है कि लैक ऑफ डिसिप्लिन का मतलब है कि आप फ्री हैं, आपके पास फ्रीडम है। लेकिन सोचिए, जब मैं अभी एक एयरक्राफ्ट में जाऊँगा तो मैं ये चाहूँगा कि मेरा जो पायलट हो वो डिसिप्लिन हो,
ना कि वो अपनी मर्जी से जो करना चाहे वो कर सके। मैं ये नहीं चाहूंगा कि उसकी फिलॉसफी कुछ ऐसी हो कि मैं फ्री हूं, मुझे किसी भी इंसान से, कंट्रोल टावर से ये नहीं जानने की इच्छा है कि मुझे क्या करना चाहिए। आपकी जो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी होती है वो डेमोंस्ट्रेट करते हैं कि आपका डिसिप्लिन कितना खराब है। डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, सेक्रीफाइस और आपके डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पटेशंस को अवॉइड करना है। इसका उसका मतलब है, डिसिप्लिन का मतलब है फोकस्ड रहना। स्टीम डज नॉट मूव द इंजन अनलेस इट इज कन्फाइंड। स्टीम तब तक इंजन को नहीं हिला सकती है जब तक वो कन्फाइंड ना हो। नाइग्रा फॉल्स वुड नॉट जनरेट पावर अनलेस इट वॉज हार्डेस्ट। नाइग्रा फॉल्स पावर तब तक जनरेट नहीं करेगा जब तक पानी को एक जगह इकट्ठा, एक डिसिप्लिन से ना गुजारा जाए। हम सबको कछुए और खरगोश की रेस के बारे में कहानी पता है। जो खरगोश था वो आगे भागता चला गया था और उसने टॉर्टोइस को चैलेंज किया था एक रेस के लिए, और टॉर्टोइस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था और उन्होंने अपॉइंट करा था एक फॉक्स को जो कि वहाँ पे जज था। रेस स्टार्ट हुई थी, टॉर्टोइस धीरे धीरे चलता रहा लेकिन जो हेयर था उसने स्प्रिंट करा और वो तेज भाग गया। उसने काफ़ी पीछे छोड़ दिया टॉर्टोइस को, और क्योंकि वो कॉन्फिडेंट था रेस जीतने के तो उसने एक नैप लेने का डिसाइड किया। और जब तक वो उठा और उसे याद आया कि उसे रेस भागनी है तो उसने अपनी रेस को रन करना शुरू करा, और इतने में उसने देखा कि जो टॉर्टोइस था, जो कछुआ था, वो फिनिश लाइन तक पहुंच चुका था और वो जीत चुका था। हमारी इस कहानी से हमें पहले बताया जाता था और इसका मॉरल हमें बताया जाता था कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो धीरा है, जो धीमा है लेकिन जो स्टडी है, वो अपनी लाइफ में रेस जीत जाएगा। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा डीप जाएं तो इसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो चुका है। क्यों? इसका मतलब यह है कि जो टॉर्टोइस था वो फास्ट नहीं था, और जो हेयर था वो ओवर कॉन्फिडेंट था और उसमें लैक ऑफ डिसिप्लिन था। कंसिस्टेंसी टेक्स डिसिप्लिन एंड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एरेटिक एफर्ट। डिसिप्लिन और रिग्रेट दोनों ही पेनफुल हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो इनमें से दो चीज़ों में से एक चूज करेंगे, और आप सोचिए कि ज़्यादा पेनफुल क्या है। ऑब्वियसली रिग्रेट। जनरली चिल्ड्रन ब्रॉट अप विद एक्सेसिव फ्रीडम, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा फ्रीडम अपने बचपन में मिली होती है और एक लैक ऑफ डिसिप्लिन के साथ वो ग्रो होते हैं, तो वो रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं अपने पेरेंट्स की, सोसाइटी की, और एक हार्ड टाइम होता है उनकी लाइफ में जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए हमारे लिए एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कभी भी ये मत समझना कि लैक ऑफ डिसिप्लिन का मतलब ये है कि वो फ्रीडम के इक्वल है। 16th फैक्टर है लो सेल्फ एस्टीम। लो सेल्फ एस्टीम का मतलब है कि आपके अंदर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या अपनी खुद की सेल्फ वर्थ का एक लैक है, एक कमी है। आपको अपनी सेल्फ वर्थ के बारे में नहीं पता है, आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करना जानते हैं। इसका मतलब आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो लो है। लो सेल्फ एस्टीम आपके दिमाग में सेल्फ डाउट क्रिएट करती है, जो कि आपको ले जाती है कि आप लोगों के बारे में और चीज़ों के बारे में, सिचुएशन के बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, और आपकी जो ईगो होती है वो आपकी लाइफ की सीट, ड्राइवर सीट को ले लेती है। अब जो डिसीजंस आप बनाते हो वो आप अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लेते हो, ना कि कुछ अच्छा अचीव करने के लिए। जो लोग जिनकी सेल्फ एस्टीम कम होती है वो कॉन्स्टेंटली किसी आइडेंटिटी के लिए सर्च करते रहते हैं। दे आर ट्राइंग टू फाइंड देमसेल्फ। वो खुद को ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि खुद को उन्हें ढूंढना नहीं है बल्कि क्रिएट करना है। आइडलनेस एंड लेजीनेस आर कंसिक्वेंसेज ऑफ लो सेल्फ एस्टीम एंड सो इज मेकिंग एक्सक्यूजेस। आइडलनेस, आलसपन और एक्सक्यूज बनाना आपके सेल्फ एस्टीम के ही रिजल्ट्स हैं। आइडलनेस उस जंग की तरह है जो किसी भी चमकदार मेटल को खा सकता है, कमज़ोर बना सकता है। 17th फैक्टर है लैक ऑफ नॉलेज। विल डुरांट कहते हैं कि 60 years ago I knew everything. Now I know nothing. Education is a progressive discovery of our own ignorance. मतलब कि 60 साल पहले मुझे ये लगता था कि मैं सब जानता हूँ, मैंने पढ़ाई लिखाई करी है तो मतलब मैं सब जानता हूँ, लेकिन आज मुझे पता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं बहुत कुछ जानते हुए भी कुछ भी नहीं जानता। इस दुनिया में सीखने को बहुत कुछ है। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स नॉलेज इज अवेयरनेस ऑफ द एरियाज ऑफ इग्नोरेंस। जो इग्नोरेंस के एरियाज हैं उनके बारे में अवेयर होना ही नॉलेज का सबसे पहला स्टेप है। जितनी ज़्यादा नॉलेज एक पर्सन लेता है उतना ही ज़्यादा वो रियलाइज़ करता है अपने एरियाज ऑफ इग्नोरेंट को। एक पर्सन जो सोचता है कि उसको सब कुछ पता है, इसका मतलब यह है कि उसको बहुत कुछ अभी सीखने की ज़रूरत है। जो इग्नोरेंट लोग होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि वो इग्नोरेंट हैं। दे डोंट नो दैट दे डोंट नो। उनको ये नहीं पता होता कि उनको कुछ नहीं पता है।
उनको इनफैक्ट जितने ज़्यादा इग्नोरेंस लोग होते हैं, जितना ज़्यादा इग्नोरेंट होते हैं, उतनी ज़्यादा बेस्ट प्रॉब्लम होती है उनकी इल्यूजन ऑफ नॉलेज. बिकॉज व्हेन यू थिंक यू नो समथिंग, जब आपको ये लगता है कि आपको कुछ पता है लेकिन नहीं पता होता, तो आपके जो डिसीजन होते हैं वो फ्लॉड होते हैं. 18th फैक्टर है फेटलिस्टिक एटीट्यूड. एक फेटलिस्टिक एटीट्यूड लोगों को प्रिवेंट करता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करने से. जिन लोगों का एटीट्यूड फेटलिस्टिक होता है वो एट्रीब्यूट करते हैं सक्सेस और फेलियर दोनों को लक पे. दे रिजाइन देमसेल्फ टू देयर फेट. वो हॉरोस्कोप और स्टार्स में लिखी हुई बातों से, और कहते हैं ना कि इसकी ज़िंदगी में शायद यही लिखा है, वो वाली बातों पे वो ज़्यादा भरोसा करते हैं. वो ये बिलीव करते हैं कि जो होना है वो होगा, भले ही उनके एफर्ट्स कुछ भी हों. और यही उनके जीने का तरीका होता है. वो अपने एफर्ट्स को नीचे डालते हैं और अपने जो लिखा होता है उसको ऊपर डालते हैं. जिन लोगों का एटीट्यूड फेटलिस्टिक होता है वो वेट करते हैं थिंग्स के होने का, रेदर देन कि खुद ही वो कुछ करें इस चीज़ का. सक्सेस और फेलियर उनके लिए मैटर ऑफ लक होता है. और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो किसी भी फेलियर इंसान से आप जाके पूछ सकते हैं. वीक माइंडेड पीपल फॉल ईजी प्रे टू फॉर्चून टेलर्स, हॉरोस्कोप एंड सेल्फ प्रोक्लेम गॉड मैन हु आर समटाइम्स कॉमन. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धोखेबाज होते हैं, फ्रॉड होते हैं, और वो अपने आप को धन के ठेकेदार, फॉर्चून टेलर्स, आपको बाबा जी होते हैं जो हॉरोस्कोप बताते हैं आपका, उनके झांसे में जो वीक माइंडेड लोग होते हैं वो बहुत जल्दी से आ जाते हैं और वो सुपरस्टिशियस बन जाते हैं, रिचुअलिस्टिक बन जाते हैं. अगर आप अपनी लाइफ में फेल होना चाहते हो तो आप लक में विश्वास करो, लेकिन अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो उस प्रिंसिपल में बिलीव करो जो कॉज ऑफ एंड इफेक्ट के प्रिंसिपल्स हैं, और आप अपना खुद का लक खुद बना पाओगे. जैसा कि सैमुअल गोल्डविन ने कहा था, द हार्डर आई वर्क द लकियर आई गेट. जितनी ज़्यादा मेहनत मैं करता हूँ उतना ही ज़्यादा किस्मत वाला और लकी मैं बन जाता हूँ. सम पीपल थिंक दे आर जस्ट अनलकी. कुछ लोगों को लगता है कि वो अनलकी हैं. कुछ लोग हर चीज़ में लक को देखते हैं और वो अपने एफर्ट्स को भूल जाते हैं और ये रियलाइज़ नहीं करते कि आपका जो लक है, लकी भी वही इंसान होता है जो प्रिपेयर्ड होता है, क्योंकि प्रिपरेशन लक को फेवर करती है. हैंस वट एवर दे डू दे गो अनप्रिपेयर्ड. तो वो जो भी करते हैं वो अनप्रिपेयर्ड रहते हैं, वो बिना प्रिपरेशन के जाते हैं, हाफ हर्टेडली उसको अटेम्प्ट करते हैं और ऐसी चीज़ें बोलते हैं कि आई विल गिव इट अ ट्राई, मैं ट्राई करूँगा, आई विल सी अगर ये वर्क करता है तो, मैं देखूँगा अगर ये काम करता है तो, आई विल गिव इट अ शॉट, आई हैव नथिंग टू लूज, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, आई हैवेंट पुट मच इनटू इट एनीवे, मैंने वैसे भी इसमें ज़्यादा कुछ लगाया ही नहीं है. यही जो नॉन कमिटेड बिहेवियर आपका होता है वही आपके लिए फेलियर में रिजल्ट करता है. अटेम्प्टिंग हाफ हर्टेडली इज लाइक एक्सपेक्टिंग फेलियर एंड अचीविंग इट. किसी भी चीज़ को हाफ हर्टेडली अटेम्प्ट करने का मतलब ये है कि आप फेलियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और फिर भी उसको अचीव करना चाहते हैं. एफर्ट डज इट. एक बार एक आदमी एक रेस हॉर्स को खरीद के ले आया और उसने अपने जगह पर उसको रख दिया और उस पर एक साइन लगा दिया जहाँ पर लिखा था बड़ा बड़ा, द फास्टेस्ट हॉर्स इन द वर्ल्ड. ये जो हॉर्स है ये फास्टेस्ट हॉर्स है इस पूरी दुनिया में. उस ओनर ने, उस आदमी ने उसको ना तो एक्सरसाइज कराई, ना ही ट्रेन करा अच्छे तरीके से, उसकी बॉडी को गुड शेप में भी ना रखा और उसको रेस में दौड़ा दिया और वो लास्ट आया. तो उस इंसान ने जल्दी से उसका साइन चेंज करा और लिख दिया द फास्टेस्ट वर्ल्ड फॉर द हॉर्स, इस घोड़े के लिए बहुत तेज दुनिया. बाय इन एक्शन और नॉट डूइंग व्हाट शुड बी डन पीपल फेल एंड दे ब्लेम लक. वो कुछ लोग काम नहीं करते हैं, एक्शन नहीं करते हैं जो उन्हें किया करना चाहिए वो नहीं करते हैं और फेल हो जाते हैं और फिर सब चीज़ को उठा के लक पे डाल देते हैं और लक को ब्लेम करते हैं. लाइफ विदाउट विजन, करेज एंड डेप्थ इज सिंपली अ ब्लाइंड एक्सपीरियंस. जिस जिंदगी में विजन नहीं है, करेज नहीं है, डेप्थ नहीं है, वो एक ब्लाइंड एक्सपीरियंस की तरह है. जो स्मॉल लेजी और वीक माइंडेड लोग होते हैं वो आसान रास्ता चूज करते हैं, उस रास्ते को वो चूज करते हैं जिसमें कम से कम रेजिस्टेंस होता है. आप किसी भी एथलीट से पूछिए कि उसे वर्कआउट करने के बाद कैसा फील होता है, वो आपको बताएगा कि उसे ऐसा लगता है कि उसने कुछ किया है. इफ़ ही डजंट फील दैट वे इट मीन्स ही हैजंट वर्क आउट टू हिज मैक्सिमम एबिलिटी. और अगर वो ऐसा फील नहीं करता है तो इसका मतलब उसने अभी तक अपनी मैक्सिमम एबिलिटी को यूज़ नहीं किया है. लूजर्स थिंक लाइफ इज अनफेयर. लूजर्स को लगता है कि जो लाइफ है वो उनके लिए अनफेयर है. जो लूजर्स होते हैं वो अपनी बुरी ट्रेक्स के बारे में सोचते हैं, वो इस चीज़ को नहीं देख पाते कि जो इंसान प्रिपेयर्ड है और जो अच्छी तरीके से गेम को खेल रहा है उसके पास भी वही सारी ब्रेक्स हैं, वही सारी चीज़ें हैं जो उसे रोक रही हैं, लेकिन वो फिर भी उनको ओवरकम कर रहा है. और यही डिफरेंस है, द विनर्स थ्रेशोल्ड फॉर टॉलरेटिंग पेन बिकम्स हाइयर बिकॉज इन द एंड ही इज़ नॉट ट्रेनिंग जस्ट फॉर द गेम बट फॉर हिज कैरेक्टर. जो विनर होता है
वो अपने कैरेक्टर को बिल्ड करता है, उस पर काम करता है, उसको ट्रेन करता है, ना कि वो गेम पर सिर्फ गेम के लिए करता है वो सारी चीज़ें। चलिए लक के ऊपर एक कहानी सुनते हैं। लक फेवर्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। लक भी उन्हीं की हेल्प करता है जो खुद की हेल्प करते हैं। एक बार एक गांव था जिसमें बहुत तेज बाढ़ आ गई थी और उस गांव में एक आदमी रहता था और वो वहां पे पंडित था। तो उस आदमी ने जब बाढ़ आई तो सारे लोग भागना शुरू हो गए और लोगों ने उससे कहा कि पंडित जी चलो वरना डूब जाओगे, मर जाओगे। पंडित जी बोले कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। जैसा पानी का लेवल बढ़ना शुरू हो गया तो एक जीप में कुछ लोग आए और बोले कि पंडित जी चलो वरना डूब जाओगे। पंडित जी बोले मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा, मुझे भगवान में पूरा विश्वास है। और पानी का लेवल बढ़ने लगा और ऊपर जाने लगा, सेकंड फ्लोर तक पानी का लेवल पहुंच गया और एक बोट आई पंडित जी को बचाने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा मुझे मेरा भगवान बचाएगा, मुझे उन पर भरोसा है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। वाटर का लेवल बढ़ता रहा और वो जो आदमी था वो छत तक चढ़ गया और वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर उसको रेस्क्यू करने के लिए आया, लेकिन उसने कहा कि मेरा भगवान मुझे बचाएगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। फाइनली जब वो डूब गया, वो भगवान के पास पूछा और गुस्सा करते हुए एक सवाल उसने पूछा कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा था भगवान, लेकिन आपने मेरी प्रेयर्स को इग्नोर करा और मुझे बचाने आप नहीं आए और मुझे आपने मर जाने दिया। तो भगवान ने रिप्लाई किया कि भाई तुम्हें चाहिए क्या, मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए जीप को भेजा, तुम्हारे लिए बोट को भेजा, तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर भेजा, अब तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे लिए मैं खुद ज़मीन पर उतर के आऊँ और बोलूँ कि पंडित बेटा तेरी ज़िंदगी खतरे में, अपनी ज़िंदगी बचा ले। इस स्टोरी का मॉरल क्या है? इससे ये पता चलता है कि उस इंसान ने अपनी मदद करने का खुद तो कुछ किया ही नहीं और जो मदद सामने से आई थी उसको भी रिजेक्ट कर दिया। ये स्टोरी क्लियरली एक एग्जांपल है फैटलिस्टिक बिहेवियर का, जो कि बहुत सारे लोगों को फेलियर्स की तरफ लेके जाती है। और अगर आपको इस एटीट्यूड से बाहर निकलना है, ओवरकम करना है फैटलिस्टिक एटीट्यूड से, तो आपको एक ही रास्ता है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करना होगा और लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट में विश्वास रखना होगा बजाय लक के। और इस सब के लिए एक्शन, प्रिपरेशन और प्लानिंग की जरूरत होगी, ना कि वेटिंग, वंडरिंग और विशिंग की, किसी भी गोल को अकम्प्लिश करने के लिए अपनी लाइफ में। लक शाइंस ऑन द डिजर्विंग। एलेक्जेंडर ग्राम बेल एक बार इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे थे एक हियरिंग एड को बहुत डेस्परेटली अपनी पार्शियली डेफ वाइफ के लिए। वो उसमें तो फेल हो गए, लेकिन उन्होंने उस प्रोसेस में प्रिंसिपल्स डिस्कवर करे टेलीफोन के। क्या आप ऐसे इंसान को लकी बोलोगे या फेलियर बोलोगे? गुड लक इज़ वैन प्रिपरेशन मिट्स अपॉर्चुनिटी। गुड लक का मतलब तब होता है जब आपकी जो प्रिपरेशन है वो अपॉर्चुनिटी को मीट करती है। विदाउट एफर्ट एंड प्रिपरेशन लकी कोइंसिडेंसेस डोंट हैपन। अगर आपके पास एफर्ट्स ही नहीं होंगे, प्रिपरेशन ही नहीं होगा, तो लकी कोइंसिडेंस आपके साथ कभी नहीं होने वाले। लक के ऊपर एक छोटी सी पोएम है। ही वर्कड बाई डे एंड टॉयल्ड बाई नाइट, ही गेव अ प्ले एंड सम डिलाइट, ड्राई बुक्स ही रेड, New things to learn and forget ahead, success to earn. He plodded on with faith and pluck, and when he won, men called it luck. मतलब आप मेहनत करोगे, आप दिन रात एक करोगे, आप किताबें पढ़ोगे, आप चीज़ों को सीखोगे, आगे बढ़ोगे, सक्सेस हासिल करोगे और बहुत मेहनत करोगे, और जब आप जीत जाओगे ना तो लोग आपकी इन सब चीज़ों को लक कॉल करेंगे, लेकिन उस सब चीज़ से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। 19th फैक्टर है lack of purpose. एक लाइफ टाइम गोल आपका पर्पस होता है और ये आपकी लाइफ को एक मीनिंग देता है। वॉशिंगटन इरविंग कहते हैं कि ग्रेट माइंड्स हैव पर्पस, अदर्स हैव विशेस। जो महान दिमाग होते हैं, ग्रेट माइंड्स होते हैं, उनके पास लाइफ में पर्पस होता है और बाकी सब लोगों के पास सिर्फ इच्छाएं होती हैं। अगर हम कुछ ऐसी स्टोरीज सुनेंगे जहाँ पे लोगों ने अपनी सीरियस डिसेबिलिटी को ओवरकम किया, तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि उनका जो बर्निंग डिज़ायर था सक्सेसफुल होने का, वो उनका ड्राइविंग फोर्स था। उनके पास एक पर्पस था अपनी लाइफ में और वो प्रूव करना चाहते थे खुद को कि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, चाहे उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो। डिजायर इज वर्ट मेड अ पैरालिटिक विल्मा रुडोल्फ द फास्टेस्ट वुमेन ऑन द ट्रैक एट द 1960 ओलंपिक्स, विनिंग 3 गोल्ड मेडल्स। एक डिजायर ही था जिसने विल्मा रुडोल्फ जैसी पैरालिटिक औरत को एक फास्टेस्ट वुमेन ऑन द ट्रैक 1960 ओलंपिक्स का अवार्ड दिलवाया और उनको 3 गोल्ड मेडल जिताए। When people lack purpose, जब लोगों के लाइफ में पर्पस और डायरेक्शन की कमी होती है तो वो अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देख पाते हैं। अगर एक इंसान के पास डिज़ायर है किसी चीज़ को अकम्पलिश करने का, उसको अपनी डेस्टिनेशन पता है, तो वो उस डायरेक्शन में मूव करता है
फोकस्ड रहता है, उसके पास डेडिकेशन होता है, डिसिप्लिन होता है और उसको सक्सेस भी मिलती है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में पर्पस या डायरेक्शन नहीं है तो ये मैटर नहीं करता कि आपके पास और क्या है, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे। तो सक्सेसफुल होने के लिए आपके पास एक पर्पस या डायरेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको ये बताता है कि आपको असलियत में जाना कहाँ है। 20th फैक्टर है लैक ऑफ करेज। करेज इज नॉट एन एब्सेंस ऑफ फियर बट द ओवरकमिंग ऑफ फियर। करेज का मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ में या आपके पास कोई डर ना हो, बल्कि जब आप डर को ओवरकम करते हो उसका मतलब करेज होता है। कैरेक्टर विदाउट करेज इज इनएफेक्टिव, वेयर एज करेज विदाउट कैरेक्टर इज ऑपरेशन। व्हेन आवर माइंड्स आर फिल्ड विद करेज वी फॉरगेट आवर फियर्स एंड ओवरकम ऑब्स्टेकल्स। जब हमारे पास करेज होता है तो हम अपने डरों को भूल जाते हैं और अपने जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं उनको ओवरकम कर पाते हैं। जिन लोगों में करेज की कमी होती है उन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हमेशा लास्ट मोमेंट पे आपको नीचा कर देंगे। वीक पीपल कैन नेवर बी सिंसियर। जो कमज़ोर लोग हैं वो कभी भी सिंसियर नहीं हो सकते, और जो कोवर्ड्स हैं वो कभी भी मोरालिटी को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास करेज ही नहीं है वो सब करने का। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो मिरेकल्स की और आसान टास्क के लिए नहीं भागते, वो करेज ढूंढते हैं, दे सीक करेज, और वो स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं जो उनको ओवरकम करने में हेल्प करते हैं अपने ऑब्स्टेकल्स को। दे लुक एट वट इज़ लेफ्ट रेदर देन वट इज़ लॉस्ट। वो उस चीज़ पर फोकस करते हैं जो उनके पास है, ना कि उस चीज़ पर जो उनके पास नहीं है। विशेज डोंट कम ट्रू, बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशन सपोर्टेड बाई कन्विक्शन डू। विशेज कभी भी ट्रू साबित नहीं होती, जो आपके बिलीव्स होते हैं और जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जब उनको आप सपोर्ट करते हो कन्विक्शन के साथ तो वो सही साबित होते हैं। प्रेयर्स आर ओनली आंसर्ड व्हेन दे आर सपोर्टेड विद करेजियस एक्शन। आपकी प्रेयर्स तभी आंसर की जाती हैं, तभी उनका कुछ रिजल्ट होता है जब आप उसके साथ एक करेजियस एक्शंस लेते हो। और आपको जो करेज है और कैरेक्टर है ये क्रिटिकल कॉम्बिनेशन है सक्सेस के लिए। तो ये थे वो 20 फैक्टर्स जो हमको लाइफ में आगे बढ़ने से रोकते हैं और हमको फेलियर की तरफ लेकर जाते हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जो हमारी लाइफ में एक ब्रेक की तरह काम करते हैं, और अगर हमें लाइफ में अपनी डेस्टिनेशन को अचीव करना है, सक्सेस को अचीव करना है, तो इन ब्रेक्स को छोड़ना होगा, और तभी हम अच्छे से तेज़ी से अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। अ रेसिपी फॉर सक्सेस। सक्सेस इज लाइक बेकिंग अ केक। सक्सेस एक केक बनाने जैसा है। Unless you have just the right recipe, it is not going to work. जब तक आपके पास एक सही रेसिपी नहीं होगी सक्सेस के लिए, उस केक को बनाने के लिए, तब तक वो अच्छा नहीं बनने वाला। The ingredients must be of the finest quality and in the right proportion. जो ingredients होने चाहिए वो भी एक अच्छी क्वालिटी के, एक finest quality के होने चाहिए और एक right proportion में होने चाहिए। आपको केक को ओवर बेक भी नहीं करना है और अंडर कुक भी नहीं करना है। Once you have the correct recipe, जब आपके पास एक करेक्ट रेसिपी होगी तो आप प्रैक्टिस के साथ, लर्निंग के साथ, फ्रॉम द ओकेशनल मिसहैप, इट बिकम्स अ लॉट ईजियर। सक्सेस पाना आसान हो जाता है जब आपके पास एक करेक्ट रेसिपी है, प्रैक्टिस है और लर्निंग है। यू हैव द रेसिपी, वेदर और नॉट टू चूज इट इज़ योर चॉइस। अब आपके पास एक रेसिपी तो है, लेकिन अब उसे चूज करना है या नहीं करना है ये आपकी चॉइस है। सो दिस वॉज अबाउट द चैप्टर नंबर 5, वट इज होल्डिंग अस बैक, फ्रॉम द बुक यू कैन विन। So I hope you liked this video and you liked our audiobook series. So please like this video and subscribe our channel अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अच्छे से देखें, अच्छे से नोट्स बनाएं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।